आणि मला असं वाटतं की चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विजय हा भविष्यातल्या विजयाची नांदी आहे। मी आमचे राष्ट्रीय नेते माननीय प्रधानमंत्री जी असतील, माननीय नड्डा जी असतील, माननीय अमित भाई असतील यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून या ठिकाणी चंद्रशेखर बावनकुळे असतील किंवा वसंत भाई असतील किंवा राजन सिंग असतील किंवा अमरीश भाई असतील यांना उमेदवारी दिली। मी विशेष आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो आमचे नेते माननीय नितीनजी गडकरी यांचा की ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निवडणुका आम्ही लढलो आणि मला अतिशय आनंद आहे की एक निर्णायकी अशा प्रकारचा विजय हा मिळालेला आहे आणि निश्चितच एक विजयाच्या मालिकेची सुरुवात या ठिकाणी झाली आहे। महाविकास आघाडीचे मत फोडले तुम्ही, महाविकास आघाडी नागपुरात काही तरी जास्त मत फुटले, इतरही ठिकाणी फुटले अकोल्यातील। महाविकास आघाडीची मत ही नागपूरमध्ये आणि अकोल्यामध्ये आम्हाला निश्चितपणे मिळाली। ज्यांनी मत दिली त्या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आमच्या उमेदवारांवर या ठिकाणी विश्वास दाखवला आहे। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सहयोगी चंद्रशेखर बावनकुले जी इन्होंने एक प्रचंड विजय हासिल की है। साथ ही में अकोला में भी वसंत भाई खंडेलवाल बीजेपी के चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद की 6 सीटों पर चुनाव था, उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक प्रकार से 3 पार्टियां साथ में आने के बाद सारे चुनाव वो जीत सकते हैं, इस प्रकार की जो बात वो कहते थे इस मिथक को आज पूरी तरीके से हमने ध्वस्त किया है। और विशेष रूप से मैं ये मानता हूँ कि चंद्रशेखर बावनकुळे जी के विजय के साथ हमारे नए विजय की मालिका शुरू होती है। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी का, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और चंद्रशेखर जी और हमारे सभी उम्मीदवारों को उन्होंने नॉमिनेशन दिया। मैं साथ ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे नेता श्री नितिन गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन इस चुनाव में हमको मिला। और विशेष रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी का भी मैं